दोस्तों आपने सुना होगा एक कहावत, बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर। यानी जो एक कम्युनिटी के लोग होते हैं, एक संगत के लोग होते हैं, एक ग्रुप के लोग होते हैं, वो एक ही जैसा बिहेवियर करेंगे, एक ही जैसा बर्ताव करेंगे, एक ही जैसी भाषा का इस्तेमाल करेंगे, एक ही जैसी सोच रखेंगे और उनके उड़ने और पंखों की रफ्तार एक ही जैसी होती है। मैंने पहले भी इसके बारे में कुछ वीडियोस बनाए हैं, लेकिन मैं पहली बार इस मैसेज को इस इम्पैक्ट के साथ में, इस कन्विक्शन के साथ में, इस क्लैरिटी के साथ में और इस कमिटमेंट के साथ में आपके सामने लाना चाह रहा हूँ, क्योंकि मुझे मालूम है कि ये एक इतनी बड़ी सीक्रेट है, एक इतना बड़ा रहस्य है सफलता का या खुशियों का या कुछ भी बेहतर करने का, कि अगर आपने इस बात को साध लिया, अगर आपने इस बात पर ध्यान दिया, तो आपकी ज़िंदगी में आपको बेहतर करने से, बेहतर बनने से कोई रोक नहीं सकता है। आज ही दोस्तों अपने आसपास के 5 से 7 लोगों का एक लिस्ट बनाइए, एक सूची बनाइए और फिर आप हर नाम के अगेंस्ट में एक टिक मार्क कीजिए, ऐसे लोगों के नाम के अगेंस्ट में जो आपको इंस्पायर करते हैं, जो आपको खुश होते हुए देखना चाहते हैं, जो आपकी सफलता आपके साथ में साझा करना चाहते हैं खुशियों के साथ में। अगर आपको ऐसा लगता है कि इन 7 लोगों में से सिर्फ 1 या 2 लोगों के नाम के अगेंस्ट में आप टिक मार कर पा रहे हैं, तो समय है बदलाव का। ऐसे लोगों को जो आपके रास्ते में रोड़े अटकाने में ज़्यादा व्यस्त हैं, जिन्हें लगता है कि आप एक मझोले कद के इंसान हैं, एवरेज स्टैंडर्ड, एक मीडियोकर स्टैंडर्ड के इंसान हैं और आप उसी परिस्थिति में रहें हमेशा के लिए, ऐसे लोग जो आपको बेहतर करता हुआ, बेहतर बनता हुआ देखना नहीं चाहते हैं, अगर ऐसे लोगों की संख्या आपके आसपास के 7 लोगों में जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं उनमें ज़्यादा है, तो समय आ गया है बदलाव का। विनम्रता के साथ में, समझदारी के साथ में आप ऐसे लोगों को धीरे धीरे अपनी ज़िंदगी से बाहर निकालना शुरू कर दीजिए और आपको एक्शन लेना होगा अभी से। आपको ये करना है कि अगले 1 महीने के आसपास, अगले 1 से 3 महीनों के अंदर में आपके आसपास के 7 लोगों में से ऐसे लोगों की संख्या कम से कम 4-5 या 6 होनी चाहिए जो आपको बढ़ता हुआ देखना चाहते हैं, जो आपके साथ में कदम से कदम मिला के चलना चाहते हैं, आपको बेहतर दिशा में अग्रसर होते हुए देखना चाहते हैं, जो आपको सपोर्ट करेंगे, जो आपको फीडबैक भी देंगे, तो एक सही मंशा के साथ में, क्योंकि वो आपको और बेहतर इंसान बनते हुए देखना चाहते हैं सही मायने में। दोस्तों याद रखिएगा, आपकी बातें, आपकी आदतें और आपका व्यवहार ऐसे लोगों के जैसा होने लगता है बहुत जल्दी ही, जिनके साथ आप सबसे ज़्यादा समय बिताते हैं। और इसीलिए अगर आप उनके साथ ज़्यादा समय बिता रहे हैं जो पॉलिटिकल, राजनीतिक विचारधारा रखते हैं, या जो अपने आसपास के बाकी लोगों को नीचा होते हुए देखना पसंद करते हैं, या जिनके अंदर में एक निगेटिव धारा हमेशा प्रवाहित होते रहती है, तो विश्वास रखिए आपकी आदतें, आपकी बातें, आपकी सोच भी उनसे प्रभावित होनी ही होनी है। तुलसीदास जी ने कहा था, को न कुसंगति पाई न साई। ऐसा कौन सा इंसान है जो कुसंगति, गलत संगति में, गलत दिशा में नहीं बढ़ता है। उन्होंने वास्तविक तौर पर काफ़ी एक मजबूत, एक स्ट्रॉन्ग शब्द का इस्तेमाल किया था। उनका कहना था कि जो गलत संगत में उसका नाश हो जाता है। मैं उस निगेटिव शब्द का इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा हूँ, लेकिन मैसेज ये है कि आप जैसे लोगों के साथ में हैं उनकी तरह आपके पंखों की गति और उड़ने की दिशा बनने जा रही है। बेहतर यह है कि आप अपनी दिशा और दशा को ऐसे लोगों की दिशा में मिलाएं जो बेहतर इंसान है, जो अच्छे इंसान है, जो आपको और बेहतर इंसान बनने में मदद करने जा रहा है। बर्ड्स ऑफ सेम फेदर फ्लॉक टुगेदर, ऑलवेज रिमेंबर। Stay great, stay happy,
एंड बी अ ग्रेटर यू इट्स गोइंग टू हैपन बिकॉज यू आर वॉचिंग दिस वीडियो ऑफ माइन एंड दैट मीन्स यू आर ऑन द पाथ ऑफ प्रोग्रेस बेटरमेंट हैप्पीनेस जॉयज सक्सेस स्ट्रेंथ एंड मोर शाइन ऑल द बेस्ट विशेज.